हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हनीड्यू टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 8 से एक पोएम को, फिफ्थ पोएम को, जिसका नाम है द स्कूल बॉय, जिसके पोएट हैं विलियम ब्लेक। तो इस वीडियो में हम इसी पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। और इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार से NCERT इंग्लिश बुक्स, जो कि क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12 के सारे चैप्टर, सारे पोएम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके अलावा BSEB, दैट इज़ बिहार बोर्ड, उसके 11 और 12 का के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ में मिलेगा आपको गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8, जिसे ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन पब्लिश करती है, उसके सारे चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें अभी से, और आइए अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर और पढ़ते हैं इस पोएम को। तो ये रहा फ्रेंड्स द स्कूल बॉय। सबसे पहले इसका बिफोर यू रीड दिया गया है। द स्कूल बॉय इज द पोएम इन नॉट अ, यानी कि द स्कूल बॉय इन द पोएम, इस पोएम में जो स्कूल बॉय है यानी स्कूल जाने वाला लड़का है, इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, वो एक खुश लड़का नहीं, यानी वो खुश नहीं महसूस कर रहा, हैप्पी नहीं फील कर रहा है। क्यों? व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, आखिर किस वजह से वो अनहैप्पी है? और व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन ए केज, क्यों अपने आप को जो है वो एक ऐसा बर्ड मानता है जो कि केज में है, यानी कि पिंजरे में है। और ए प्लांट, या फिर वो अपने आप को प्लांट मानता है, दैट विदर्स, है ना, जो कि विदर हो गया है यानी मुरझा गया है, व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब उसे ब्लॉसम होना चाहिए यानी कि जबकि उसे खिलना चाहिए, आखिर क्या है? तो चलिए इसको जानते हैं, पढ़ते हैं। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। आई लव, लव मीन्स एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत पसंद करना। जैसे आई लव मैंगो, जिसका मतलब है कि मैं आम को प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि मैं आम बहुत पसंद करता हूँ। तो वही मुझे बहुत पसंद है राइज मीन्स उठना इन समर मॉर्न, है ना, यानी गर्मी के सुबह में, गर्मी के सुबह में, गर्मियों के मौसम में सुबह में क्या होता है कि वो ठंडी ठंडी कूल कूल हवा आती है, बड़ा फ्रेशनेस महसूस करता है। तो ऐसा ही इस बच्चे को, स्कूल बॉय को लग रहा है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, और हाँ, इस समय में आपको कोयल, पपीहे वगैरह जो सॉन्ग बर्ड्स हैं वो खास करके वो हर पेड़ पर होते हैं और वो गाते हैं, तो इसलिए भी अच्छा लगता है। यही नहीं, द डिस्टेंट यानी दूर का हंट्समैन यानी शिकारी, है ना। उसके बाद विंड्स, विंड्स मीन्स होता है फूंकना, यहाँ विंड्स माने फूंकना, ब्लो, ब्लो आप कह सकते हैं। हिज हॉर्न, हॉर्न मीन्स यहाँ पर वैसे सिंग होता है, बट यहाँ पर आपको हॉर्न मीन्स उसका ट्रम्पेट, उसका बिगुल, उसका बाजा, यानी शिकारी का कुछ खास बाजा जो होता है वो बजाते हैं, वो या तो जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए या जो जहाँ कहीं छुपा हो तो निकले, उस टाइप का ये बाजा वो बजाते हैं। ये भी मुझे पसंद है, है ना, यानी स्कूल बॉय को पसंद है। एंड द स्काईलार्क, स्काईलार्क हो गया आपको अवाबील के पंछी, ये ब्राउन कलर के होते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, दिख रहा हो शायद। और तो स्काईलार्क जो है वो ब्राउन कलर का होता है, ये सॉन्ग बर्ड होता है। तो एंड द स्काईलार्क, अब अपने यहाँ ये नहीं मिलेगा, विलियम ब्लेक इसके पोएट हैं, तो ये उधर की बात हो रही है, उधर के समर के बात हो रही है। अपने यहाँ ये इस टाइप के मिलते हैं, बट यही नहीं मिलेंगे अपने यहाँ। तो गर्मियों में कोयल और बुलबुल ये सब गाती हैं। तो स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, वो मेरे साथ जो है गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, अरे वाह कितना बढ़िया जो है, सो ये साथ है हमारा, कंपनी मीन्स साथ होना, संगति होना। देखिए तो ये फर्स्ट स्टांजा था, स्टांजा आप सब जानते होंगे पोम में, ये जो एक साथ होता है, ये 5 लाइन्स के एक स्टांजाज हैं। चलिए अगले स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। और अगले स्टांजा में कहता है कि बट टू गो टू स्कूल, तो ये पहले में तो ये इनका मूड था कि चलो बहुत अच्छा अच्छा कैसा मौसम है, सब कुछ है, चलो भाई ये तारीफ में, लेकिन अब इनमें इनका मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चूँकि इस पोम का नाम ही है द स्कूल बॉय। तो बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन इन समर के मॉर्निंग में स्कूल जाना, ओ ही ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अरे ये सारा ना ड्राइव माने भगा देना, है ना, अवे ड्राइव अवे मतलब दूर कर देना, ऑल जॉय, ये गर्मियों में ना सुबह सुबह मतलब इतना अच्छा मौसम है और इसमें स्कूल जाना ना ये सारी खुशियों को भगा देता है, दूर कर देता है, ड्राइव अवे कर देता है। अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्ड, देखिए फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मेनली तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, निश्चित रूप से लाइक कर दें, इसलिए कि
वैसे तो इससे सबका इनक्रेजमेंट होता है, बट एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मेनली, आप सबको पता होगा, 9 to 12 CBSE और 11 to 12 बिहार बोर्ड को मैं पढ़ाता हूँ, बट ये पोम क्लास 8 का है। तो 8 का भी मैंने कुछ दिन पहले शुरू किया था, हालांकि फिर बीच में बंद कर दिया था मैंने इसके वीडियोज़ बनाना, फिर शुरू किया। तो मैं भी ना बनाने से पहले मैं सोचता हूँ थोड़ा सा देख लिया जाए क्या भी लोगों की क्या राय है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे फेमस चैनल्स पे मैंने देखे हैं जो इंग्लिश के लिए बहुत फेमस चैनल्स हैं, किसी ने भी ना इसको सही से कोशिश नहीं किया है इसको एक्सप्लेन करने का, इसके वर्ड्स को। मीनिंग सबने दे दिया, एक समअप सबने दे दिया। अरे भाई, आपको अभी से बच्चों को हर लाइन हर वर्ड पता रहेगा, जब भी तो उसका वो आंसर अच्छे से कर पाएंगे ना। हम यहीं पर देख लीजिए, अक्रूवेल आई आउटवर्न है ना, अक्रूवेल मतलब ऐसे देखेंगे तो निर्दयी, आई आउटवर्न, आउटवर्न फटा हुआ इसके सेंस में, बट नहीं, हमें यहाँ नहीं जाना है, हम इस बारे में आपको बताएंगे। ये ऐसा वर्ड है जिसका कि मतलब मीनिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन की ओर, ये आप देखेंगे निश्चय क्वेश्चन में। ये चलिए यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ए क्रूएल आई आउटवर्न रेफर्स टू, किसको रेफर करता है ना, इसका आंसर होगा थर्ड, यानी द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट ए स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, यानी स्कूल का अनइंस्पायरिंग लाइफ है जिसमें कि बहुत सारा काम है, यानी चलो ये लिखो, ये बोलो, ये पढ़ो, बट वहाँ पर प्ले नहीं है। और बच्चों के लिए जब तक प्ले नहीं होगा फिर तो कोई मज़ा नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर ये मीनिंग, अभी और भी एक आएगा आगे, मैं वैसा बताऊँगा। तो वही कह रहा है कि सुबह में, गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना सारी खुशियों को दूर कर देता, और उसमें भी कहाँ, तो अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न, मीनिंग आपने समझ लिया कि यानी कि ऐसा जगह पर जहाँ पर कि बस बहुत सारा काम और प्ले नहीं है। द लिटल वंस, लिटल वंस मीन्स उनके जैसे, यानी पोएट के जैसे, स्पीकर के जैसे, जो छोटे बच्चे स्पेंड द डे, वहाँ पर दिन बिताते हैं इन शाइंग एंड डिसमे, शाई करना, आहे भरना है ना, और बेचैनी, डिसमे मीन्स बेचैनी होता है ना, कि बेचैनी में मतलब अभी खेल है कुछ नहीं, सारा दिन पढ़ो, 6 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ भी नहीं, वो भी क्लासरूम में, ठीक है। चलिए थर्ड स्टांजा की ओर बढ़ते हैं, थर्ड स्टांजा में है कि आह देन एट टाइम्स मतलब होता है सम टाइम्स, और हाँ तभी कभी कभी, आई ड्रूपिंग सीट, मैं जो है ना ड्रूप होकर के सीट करता हूँ, ड्रूप मीन्स होता है आपको हैंगिंग डाउन है ना, ड्रूप मीन्स, ड्रूपिंग मीन्स हैंगिंग डाउन, मैं हैंगिंग डाउन यानी सिर झुका करके बैठ जाता हूँ, क्यों, तो भाई वहाँ मज़ा नहीं आता। एंड स्पेंड मेनी एन एक्सेस आर है ना, एनएक्सेस आर मीन्स याद रखेंगे, एंक्सस आर इसको पढ़ेंगे, इसको एंक्सस पहले, इसका प्रोनंसिएशन जरूर बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, एंक्सस होता है, एंक्सस आर, आर मीन्स समय, केवल घंटा ही नहीं, तो चिंता, आप सब जानते होंगे यहाँ एंक्सस आर मतलब चिंतित आवर में, मतलब अपना सिर झुका करके, मतलब कुछ कुछ थॉट में अपना खोए हुए, यार मज़ा तो आ नहीं रहा है। नॉर इन माई बुक, ना तो अपने बुक में, कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मैं अपने बुक में वो आनंद महसूस कर सकता हूँ है ना। नॉर सिट इन द लर्निंग्स बावर, वर्न थ्रो विद द डिरेरी शावर, अब ये दोनों लाइन के भी मीनिंग मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग अजीब अजीब बता रहे थे, लेकिन आपको फिर मैं, क्वेश्चन 4 है, मैं अभी वहाँ पर लेने जा रहा हूँ, बट आपके सामने बुक होगा, आप उसमें देख लीजिए, उसमें भी दिया हुआ है ये दो लाइन्स के मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या इसका पैराफ्रेज होना चाहिए। तो इसका मीनिंग वहाँ पर दिया हुआ है कि नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल, ना तो मैं कुछ सीख सकता हूँ स्कूल में, थ्रू टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, एंड टीचर जो है ना, नॉर सिट इन लर्निंग बावर्स, मतलब नहीं सीख सकता हूँ मैं कुछ वहाँ पर बैठे बैठे, वर्न थ्रू विद द ड्रेरी शावर, वो शावर जैसे वो बारिश हो रही हो, जैसे बुंद, क्या यानी वो लेक्चर दे रहे हैं तो क्या है, वो शब्दों की बारिश हो रही है ना, लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग हो रही है, इसमें मैं कुछ सीख भी नहीं पाता हूँ, तो इसलिए जो है सो है ना, फिर से इसको, इस पैरा को, इस स्टांजा को समझिए कि भाई कभी कभी मैं सिर झुका करके बैठ जाता हूँ कि वो है ना, और इसी प्रकार से बहुत सारा समय मैं चिंता में, एंग्जायटी आर में बिताता हूँ, मुझे किताबों में कोई डिलाइट नहीं होता है, क्यों, तो सारे टीचर लोग बस लेक्चर और एक्सप्लेनिंग करते रह जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्पेस का ये लास्ट स्टांजा यानी फोर्थ स्टांजा है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, कैसे जो पंछी जॉय के लिए यानी आनंद के लिए जो पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, सिट इन ए केज, वो कैसे पिंजरे में बैठेगा, यानी अपने आप को ये स्कूल में बैठने के लिए कह रहे हैं, यही इनर मीनिंग है। एंड सिंह, भाई
बर्ड सिंगिंग बर्ड है, बट उसको पिंजरे में आप रख दोगे तो वो क्या सिंग करेगा? यानी उसको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए ना, वो पेड़ों पे बैठ के ना सिंगिंग करेगा? यानी बच्चों को तो वो, ये इनका कहना है कि भाई बच्चों को तो हमें फ्री कर देना होगा ना, ये जो पेड़ों के पास जाए और तब ना हम अपना इन्जॉय कर पाए। हाउ कैन ए चाइल्ड विथ वेन फियर्स एनॉय, कैसे एक बच्चा जिसको फियर्स डर जो है ये टीचर वगैरह का वो इन्वॉय करता हो, परेशान करता हो, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और तब उसकी वजह से वो क्या करेगा, ड्रूप कर देगा, फिर वही हैंग डाउन कर देगा, है ना, हैंगिंग डाउन कर देगा अपने विंग को, पंखों को नीचे कर देगा, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, है ना, फिर क्या करेगा, यही होगा ना, वो अपने पंखों को नीचे कर देगा माने नहीं उड़ेगा ना, तो वो यानी पिंजरे में बंद हो जाएगा। तो यानी कि इसे पंछी है तो आज़ादी दो, ये बच्चे हैं तो हमें आज़ादी दीजिए, नेचुरल एनवायरनमेंट दीजिए, मतलब पढ़ाई के लिए ये नहीं कह रही है, आपको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि पढ़ने के लिए कह रहे कि नहीं भाई पढ़ाई होना ही नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि पढ़ाई हो, पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनका कहना है कि भाई वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पर कि थोड़े से पढ़ाई का आनंद आए, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट हो, पेड़ पौधे हो, है ना, इसकी बात ये कर रहे हैं। चलिए अगला है, ओ फादर एंड मदर, ये पिताजी ये मेरी माँ, ये बर्ड्स आर निप्ड, यदि बर्ड्स जो है यानी कि कलियाँ जो है वो निप्ड हो जाए, निप्ड का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, निप्ड मीन्स टू निप समथिंग इन द बर्ड इज टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय इट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब यह है कि कम उम्र में ही, कम समय में ही कली को, जो फूल का जो कली होता है, बड होता है, उसको तोड़ देना, कि है माँ पिताजी यदि कली को तुम तोड़ दोगे कम उम्र में ही एंड ब्लॉसम्स ब्लो ना भी, तो फिर क्या होगा, फूल कैसे आएगा, वो तो दूर हो ही जाएगा, कली ही नहीं रहेगी तो फूल कहाँ से बनेगा, यानी बचपन ही अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड ऑफ दियर जॉय, और हाँ ये जो टेंडर प्लांट्स हैं, नाजुक जो पौधे हैं, आर स्ट्राइप्ड ऑफ दियर जॉय, इसका भी मीनिंग आपको दिया हुआ है, है ना, स्ट्राइप्ड का यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्राइप्ड तो है ही, स्ट्राइप्ड और पूरा प्लांट्स स्ट्राइप्ड ऑफ जॉय का मतलब इफ जॉय टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स से जो है वो सारा जॉय, सारा आनंद ले लिया जाए इन द स्प्रिंगिंग डे, और ख़ास करके स्प्रिंग के डे में, स्प्रिंगिंग डे मतलब जब उनके बढ़ने का समय है, जब उनके फलने फूलने का, स्प्रिंग बसंत में फल फूल निकलते हैं ना, तो और स्प्रिंग माने उछलना निकलना के सेंस में होता है कि भाई जब पेड़ पौधे निकलने के, फल फूल निकलने के दिन हो, उसी दिन उसका जॉय ले लिया जाए बाई सोरो एंड केयर्स डिसमे, है ना, उनको दुख के द्वारा, उनको केयर चिंताओं के द्वारा, जिसमें बेचैनी निराशाओं के द्वारा, फिर कैसे होगा, हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, फिर गर्मी में जॉय कहाँ रहेगा, वो जो गर्मी में उठने का जो है आनंद जो मिलता है वो कहाँ से रहेगा, और द समर फ्रूट्स अपियर, और यदि ये नहीं होगा तो फिर समर के फ्रूट्स कैसे अपियर होंगे, समर के फ्रूट्स कैसे निकलेंगे, गर्मियों में जैसे अपने आम लीची वगैरह होते हैं वैसे ही वहाँ भी बहुत सारे प्रकार के फल फूल निकलते होंगे, तो वो कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो ये विलियम ब्लेक के द्वारा था, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया ही है कि मैंने इसमें बहुत मेहनत की और आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ करके वर्ड्स वगैरह लाए हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, यूनिक लगा होगा, यकीन हो तो कई सारे वीडियोस आप सर्च करके देख सकते हैं, ऐसे वीडियोस यदि आप चाहते हैं आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे हमारे सारे वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a very, very nice day.